कराची में बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद पर पीपल्स पार्टी और एमकेएम में इख्तलाफात। बिलावल हाउस में होगी आज बड़ी बैठक। हुकूमत ने एमकेएम पाकिस्तान की शर्त मान ली है। एमकेएम का वफद खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में शिरकत करेगा, जबकि नून लीग की जानिब से राना सनाउल्ला, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक शरीक होंगे। खालिद मकसी, असद महमूद भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। नून लीग के रहनुमाओं की एमकेएम के मरकज बहादुराबाद आमद भी मुतवक्के है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ हैं और इस्लामाबाद से जावेद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, सबसे पहले आपके जानिब बढ़ते हैं और इस सारी सूरत हाल के हवाले से बताएगा। अब जो हुकूमत है अपने अहम इतिहादी जमात इनके एमकेएम को राम करने की पूरी कोशिशें कर रही है, क्या डेवलपमेंट है, क्या पेशरफ है इसमें? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जिन तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि वो सोच रही है कि अगर उनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता तो वो हुकूमत में रहे या हुकूमत से बाहर रह के अपनी तहरीक चलाए, तो इस हवाले से फिर अब वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत का जो इतिहाद है पीडीएम का वो मुतहरिक हुआ है और वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब एक वफ्द मुस्लिम लीग नून का कराची रवाना होगा और जिसमें बताया गया है कि सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्ला, मलिक अहमद और ख्वाजा साद रफीक इस वफ्द में शामिल होंगे। लेकिन फिर ये ज़राए ने बताया कि एमकेएम की जानिब से ये कहा गया था कि जो वाहिद वफाकी हुकूमत के साथ और सूबाई हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ हुए थे उसमें जो जमातें और जो इतिहाद गारंटियर के तौर पर सामने आया था, जिसमें पीडीएम इत्तेहाद और मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून गारंटियर के तौर पर सामने आई थी, तो उनके अराकीन भी इसमें शामिल हों, तो उसके उनके इस मुतालबे के बाद अब पीडीएम के दीगर जो जमातें हैं जिसमें मौलाना असद महमूद जेयूआई फेक की नुमाइंदगी करेंगे और बीएपी की तरफ से खालिद मकसी जो हैं वो अब इस इजलास में शिरकत करेंगे और इस हवाले से बताया गया वो अहम बैठक होने जा रही है शाम के वक्त और एक पिटीशन की भी बात की जा रही थी एमकेएम की जानिब से, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, कराची का सियासी माहौल गर्म होने जा रहा है और आज जो बैठक होने जा रही है वो शाम 7 बजे होगी, जिसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की तरफ से, वज़ीर आला सिंध और मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर शामिल होंगे। जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एक वफ्द है वो शामिल होगा और जो पीडीएम का जो वफ्द है नुमाइंदा हुकूमत का वो होगा। इसमें जो मेरी पीपल्स पार्टी के की लीडर से बात हुई वे बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो हाईकोर्ट है हाईकोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर 2 माह में जो इलेक्शन कराने का हुक्म था उसको अमल दरामद किया और फिर उसके बाद अब जो इसमें इलेक्शन है वो 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। लेकिन एमकेएम के जो तहफ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि जो नई हलका बंदियां की गई थी उसको वापस लिया जाए। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि हमारे जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो चला ली है, वो रेडी हैं और अब अगर इंतखाबी हलका बंदियों में तब्दीली की जाती है तो इलेक्शन मुमकिन तौर पर आगे हो जाएंगे और अगर वो आगे हुए तो जो हाई कोर्ट है उसको उनको जवाब देना पड़ेगा। एमकेएम बज़िद है कि ऐसा किया जाए, तो अब ज़राए वो ये बताते हैं कि ऐसा लगता है कि अब ये मामला डेड लॉक की तरफ जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ये जो अपनी क़यादत है उसको बता दिया है कि वो तैयार है बलदियाती इंतखाबात के लिए। एमकेएम की जानिब से आज एक गवर्नर नवीद जमील ने एक पिटीशन पहले से दायर की हुई थी, आज उस दरख्वास्त के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 9 जनवरी को जो हाई कोर्ट में वो कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अदालत में उसको मुकर्रर किया गया और फिर उसके बाद वो आगे की जो कानूनी कार्रवाई है अदालती कार्रवाई है वो उस पर होगी। तो ये शाम 7:30 बजे के बाद जो है अब ये सिचुएशन मज़ीद क्लियर होगी, लेकिन ज़रा ये दावा करते हैं कि डेड लॉक की तरफ सूरत हाल जा रही है क्योंकि एमकेएम का मुतालबा अगर पीपल्स पार्टी मानती है तो उसको फिर हाई कोर्ट में जवाब देना होगा और हाई कोर्ट में जवाब देने के लिए पीपल्स पार्टी फिलहाल तैयार नहीं दिखती, तो मामला डेडलॉक की तरफ जा रहा है बलदियाती इंतखाबात का। ठीक है, मामला यानी कि ऐसा आपका कहना है कि डेडलॉक की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद का मामला है और इस हवाले से अहम इतिहादी एमकेएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके हैं, हुकूमत की तैयारी भी मुकम्मल है। तलहा हाशमी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जावेद हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।